नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से बैंकिंग हेल्प चैनल में। जब भी हम लोग पर्सनल लोन के लिए बैंक में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला सवाल मन में ये आता है कि लोन मैक्सिमम कितना मिल सकता है बैंक में, मेरा एलिजिबिलिटी कितना बनेगा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैंक किस तरह से मैं पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी चेक करता है और किस तरह से उसको कैलकुलेशन करता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको मेनली SBI किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। बाकी सारे बैंक्स ऑलमोस्ट सेम कैलकुलेशन फॉलो करता है, प्लस माइनस थोड़ा कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आप SBI में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो SBI तीन तरह से आपकी एलिजिबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं, और इस कैलकुलेशन में जिसका वैल्यू सबसे लोएस्ट या मिनिमम बनता है उसी को आपको एज ए लोन दिया जाता है और उसी अमाउंट को सैंक्शन किया जाता है एज ए। पहला कैलकुलेशन होता है एज पर स्कीम डिटेल्स। SBI पर्सनल लोन स्कीम का मैक्सिमम लिमिट है, अपर लिमिट है 30 लाख। तो अगर कोई व्यक्ति SBI में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करता है और उसको चाहिए होता है 40 लाख, तो लोन सैंक्शन नहीं होगा, चाहे उसका इनकम कितना भी ना हो, क्योंकि SBI का पर्सनल लोन स्कीम का मैक्सिमम अपर लिमिट है 30 लाख। तो ये हो गया फर्स्ट कि एज पर स्कीम डिटेल्स मैक्सिमम लोन मिल सकता है 30 लाख फ्रॉम SBI। अब दूसरे आते हैं इनकम के हिसाब से। जाहिर सी बात है, जिसका इनकम जितना ज्यादा उसको उतना ज्यादा लोन सैंक्शन किया जाता है। SBI कैसे इसको कैलकुलेट करता है, कोई भी व्यक्ति हो उसका लास्ट 6 मंथ का इनकम देखा जाता है, उसका लास्ट 6 मंथ इनकम का एवरेज किया जाता है, उस एवरेज को 1.1 यानी कि 110% उस एवरेज का लेके उसको एज ए NMI बताया जाता है। उस NMI का 24 टाइम्स मैक्सिमम लोन कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति का मैक्सिमम NMI है 50,000, अगर उसका NMI 50,000 है तो इस हिसाब से इनकम के हिसाब से उसको मैक्सिमम लोन मिल सकता है 50,000 × 24 यानी कि 12 लाख। और लास्ट में EMI NMI रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। नॉर्मली SBI में ये EMI NMI रेशियो होता है 50%, कुछ केसेस में 55% या 60% के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। मैं यहाँ पे 50% के हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए किसी कस्टमर का नेट मंथली इनकम है 50,000, अगर EMI NMI रेशियो 50% मान के कैलकुलेट करूँ तो बैंक उसका मैक्सिमम 25,000 एज ए EMI ले सकता है। यानी कि उसका इनकम 50,000 है, उसका 50% EMI बैंक ले सकता है। अब मान के चलिए उस कस्टमर का 50,000 NMI है यानी कि नेट मंथली इनकम है, और उसका ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लोन है कार लोन, जिसका EMI वो 10,000 करके पे कर रहा है, क्योंकि बैंक यहाँ पे मैक्सिमम 50% ही EMI ले सकता है। तो मैक्सिमम EMI का जो लिमिट होगा वो होगा 25,000। तो 25,000 में से ऑलरेडी एक EMI जा रहा है 10,000, तो 15,000 उसका जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है उसको मैक्सिमम EMI कंसिडर कर सकते हैं। तो इस 15,000 मैक्सिमम EMI कंसिडर करके जितना लोन बनेगा उतना बैंक सैंक्शन कर सकता है। तो अब यहाँ पे एक आइडियल कंडीशन पे यानी कि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हाल ही में SBI कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं उसको पकड़ के पर लैक अगर EMI में कैलकुलेट करता हूँ 6 साल के हिसाब से, तो आएगा 1883 यानी कि पर लैक EMI बनेगा 6 साल के लिए, और जो मिनिमम रेट है 10.60 उसके हिसाब से बनता है 1883। तो इस कस्टमर के लिए मैक्सिमम EMI बन सकता है 15,000 और पर लैक EMI बनता है 1883। यानी कि इस EMI NMI रेशियो के हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो उस कस्टमर का मैक्सिमम लोन बन सकता है 7.96 लाख। तो ये तीन तरह से जो कैलकुलेशन SBI ने किया है, पहला होगा स्कीम डिटेल्स वहां पे आया 30 लाख, फिर दूसरा हुआ एज पर NMI एज पर इनकम तो वहां पे हुआ 12 लाख, और तीसरा जो है EMI NMI रेशियो के हिसाब से यहाँ पे आया 7.96 लाख। तो इनमें से थर्ड ऑप्शन है सबसे लोएस्ट, यानी कि 7.96 आता है सबसे लोएस्ट अमाउंट, तो उस कस्टमर को मैक्सिमम लोन सैंक्शन किया जाएगा 7,96,000। आई होप कि ये पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया है। अगर फिर भी कुछ डाउट है, क्वेरीज है, तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए और आप पूछिए कि आपका डाउट क्या है, मैं आपके डाउट जितना हो सके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।